सभी को नमस्कार, कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हाल ही में कुछ नया अपडेट आया है, तो उसका लगभग आपको पता होगा, बाकी जिन किसान भाइयों को नहीं पता उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। जितनी हमें पता है, जितना जानते हैं उतनी नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हार्वेस्टर संबंधित हेल्पफुल कॉन्टेंट पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आप वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम है किसान भाई करते हैं। तो जैसे ही आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, काफ़ी वीडियोस आप मिस कर देते हैं। तो अभी क्या अपडेट है कंबाइन हार्वेस्टरों को लेकर, जैसे आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, तो BS3 जो इंजन आते थे अभी इसमें देखते थे हम हार्वेस्टरों में BS3 इंजन है। जैसे BS3 के लाल इनोवा सीरीज के, अशोक लैंड के और भी अन्य कंपनियों के थे जो भी BS3 इंजन थे, तो अकेले हार्वेस्टरों में नहीं, चाहे वो किसी भी चीज़ में लगा ले BS3 इंजन है। सरकार का नया अपडेट आया है कि 31 दिसंबर तक के बाद ये बंद हो जाएंगे। तो 31 दिसंबर से पहले पहले इनकी पासिंग होगी, उसके बाद पास नहीं होंगे ये। इसके बाद सिर्फ BS4 इंजन आएंगे। तो BS3 और BS4 में कुछ नए सुधार देखने को मिलेंगे, जैसे पीछे हमें देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं कीमत में भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो अराउंड अराउंड अगर हमें अंदाज़ा लगाएं तो कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक इनकी बढ़ जाएगी, इंजन की वजह से जो हार्वेस्टर या अन्य कोई भी चीज़ है। लगभग हार्वेस्टर में बात करते हैं, हम हार्वेस्टर ही मान के चलो, तो हार्वेस्टर की कीमत भी 3 से 4 लाख बढ़ जाएगी। तो 31 दिसंबर से पहले का हार्वेस्टर खरीदने में फ़ायदा है, या नया जो मॉडल आएगा, नया इंजन आएगा, उसमें हार्वेस्टर खरीदने का फ़ायदा है अगर आप कम बजट में हार्वेस्टर देखते हैं। क्योंकि अभी हम ये इंजन देखते हैं तो ये सही है, बाकी सरकार ने किसी भी वजह से लगा लो ये बंद किया। पहले आपने बाइकों में देखा था, जो BS3 बाइक आती थी उनको भी एकदम से बंद कर दिया था। तो एकदम बंद करने से बाद में काफ़ी मशीनों की RC भी नहीं, काफ़ी इनकी बाइकों की RC भी नहीं मिली थी, वो ऐसे ही रह गए थे बिना डॉक्यूमेंट के, क्योंकि कंपनी के द्वारा सेलेक्टर तो काट दिए थे, पर उनका फिर कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे केस चलते रहते हैं, बाद में वो ऐसे ही घूमती हैं वो बाइक भी। तो फिर BS4 और BS6 आ गई थी, वैसे ही ये इंजनों में आ गया। तो जो BS3 इंजन है वो 31 दिसंबर तक का टाइम दे रखा है, जैसे इससे पहले जो भी पास नहीं हुए हैं, जिनके पास पहले से इंजन है तो उनको पास करवाएं, या RC बनवाना चाहते हैं, कुछ करते हैं किसी प्रकार से, तो वो 31 दिसंबर तक का टाइम है। तो इसमें आपको एक फ़ायदा ही हो जाएगा, इससे पहले लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये सस्ता मिल सकता है, उसको कंपनियाँ भी निकालने ही सोचेंगे BS3 को, जिनके पास एक्स्ट्रा है या RC नहीं बनवाई है वो अपनी बनवा ले BS3 इंजन में। तो अब बाद में पीछे नहीं छोड़ दें अगर ये सोचें भी मशीन अभी ले रहे हैं और बाद में इसकी RC बनवा लें, तो 31 दिसंबर के बाद BS3 इंजन में RC नहीं बनेगी, तो उसके बाद BS4 इंजन आ जाएगा। तो इसके बाद और कैसा क्या रहने वाला है, इसकी वीडियो बहुत जल्द आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। BS4 इंजन में जैसे जो भी नई चीज़ें आएंगी, क्या क्या कुछ ना कुछ तकनीक आएंगी, जैसे उसमें सेंसिंग टाइप में होगा, ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सेंसर टाइप में होंगी, तो क्या हार्वेस्टर पर कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाता, कितना पावर का फ़र्क रहता है, कितनी एवरेज का फ़र्क रहता है, ये सभी चीज़ें नोट करेंगे। तो अभी हार्वेस्टरों में काफ़ी में इस चीज़ की चलने लगी चर्चा, अभी इंजन टिकाए जाने लगेंगे नए मॉडलों में। तो अभी जो पुराने इंजन है जिनकी बुकिंग अभी एक से पहले है उनमें तो हो सकता है, जिनकी BS3 की डिमांड है उसमें ये लगा दें, उसके बाद BS4 में, और आगे काफ़ी किसान तो सस्ते के हिसाब से BS3 ले भी लेते हैं, पर सरकार हो सकता है आने वाले टाइम में BS3 को बिल्कुल बंद कर दे, ये चलने भी न दे, क्योंकि काफ़ी बार पीछे देखा गया इस सरकार में पुरानी चीज़ों को, जैसे 10 साल की डिमांड लगा दी काफ़ी चीज़ों पर, इसी प्रकार से हो सकता है कि आने वाले टाइम में BS3 इंजन पर भी बिल्कुल लगा दे, बिल्कुल बंद कर दे। तो अपना थोड़ा सोच समझ के अपनी हार्वेस्टर बुक करें, बाकी 5-10 साल की जो भी लिमिट रखेगी, इतनी लिमिट तो रखेगी कम से कम इंजन की भी। तो अभी तो पासिंग हो रही है, अपने किस हिसाब से इंजन पर लेते हैं, कम रेट में ले रहे हैं या आगे का सोच कर आप BS4 में ले रहे हैं, तो ये चीज़ अगर पैसे आपको लिए कुछ मायने नहीं रखते तो आप BS4 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ नए अपडेट ही मिलेंगे। इंजन में यह है नहीं कि कुछ कम करेगी कंपनी, क्योंकि अशोक लैंड पीछे देखते आ रहे हैं हम, शुरुआत में तो 8 सीरीज का आया था, इसको भी काफ़ी लोग कंपनियाँ पसंद नहीं करती, फिर धीरे धीरे सभी में ये आने लगा और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल के आए हैं। तो इसी प्रकार से हो सकता है BS4 में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, परंतु धीरे धीरे उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा और
सही आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो बड़े लेवल पर काम करती हैं, तो किसानों के लिए कुछ ना कुछ सही लेके आएंगे। बाकी 3-4 लाख का डिफरेंस होने वाला है 31 दिसंबर के बाद, जो हार्वेस्टरों का रेट है उसमें भी इतना डिफरेंस होने वाला है। तो आशा करता हूँ इसके बारे में इंजन को लेकर आपके डाउट क्लियर होंगे होंगे, तो ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्ट और जल्दी वीडियो आ जाएगी आपकी BS4 इंजन पर, हार्वेस्टर में जो अभी टिकाए जाएंगे काफ़ी में, तो उनकी वीडियोज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।